हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर कंप्लीटिंग योर वर्क इन द कमिंग इन योर कमिंग क्लास। आई एम गोइंग टू चेक योर कॉपीज एज यू गॉट योर डेट शीट। आई होप सो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, कंटिन्यू विद द चैप्टर 22, बट विद द न्यू टॉपिक कॉल्ड पैटर्न्स। नाउ पैटर्न्स आर समथिंग विच इज़ रिपीटेड अगैन एंड अगैन, समथिंग विच इज़ रिपीटेड अगैन एंड अगैन। Like you can see the patterns in clothes, like जिस जो भी उसमें डिज़ाइन होता है, वट एवर द डिज़ाइन यू हैव, रंगोलीज में पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि इसमें शो भी हो रहा है। नाउ वी कैन डिस्कस द पैटर्न्स मेनली अंडर टू हेड्स। जो पैटर्न्स होते हैं दे आर ऑफ टू काइंड्स, इन विद द शेप्स एंड विद द नंबर्स। शेप्स में एनी डिज़ाइन होते हैं, जो भी रंगोली हुआ, साड़ी हुआ, सूट हुआ, बॉर्डर होता है, जो सूट एंड साड़ीज हैज द बॉर्डर, कर्टन्स में होते हैं, देर आर मेनी थिंग्स। ओके, सो वो होते शेप्स के बॉर्ड पैटर्न्स एंड नंबर्स। नाउ नंबर्स, नंबर्स के पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। मे बी दे आर एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर, दे आर सब्ट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर नंबर, दे आर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर नंबर, दे कैन मल्टीप्लाई एंड एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर। सो दीज आर कॉल्ड नंबर पैटर्न। सो लेट अस स्टार्ट विद द शेप पैटर्न्स फर्स्ट ऑफ ऑल। When some shapes occurs on a paper or a cloth etc. in a regular succession, succession means बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। जैसा कि आप इनमें देख सकते हैं, ये डिज़ाइन, ये टाइल का डिज़ाइन है, राइट बेटा? ये एक टाइल है, फ्लोर टाइल, जो कि आपके घरों में लगी भी होती है, ठीक है। ये रंगोली, और ये भी रंगोली, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, सेम पैटर्न होता है। जैसे इसमें ये zigzag बना हुआ है, लाइक ट्राइंगल्स है ना, zigzags बने हुए हैं। इसमें जो पैटर्न है लीव्स का, देखिए रिपीटेड है, तो दैट वी आर कॉल्ड पैटर्न्स। ये फ्लावर है, ये टाइल जो लगी होती हैं वो पैटर्न्स शो किया हुआ है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड शेप्स पैटर्न्स। जो शेप बार बार रिपीट होती है, या कोई एक फॉर्मेट होता है, जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट सेम सेम कलर, सेम साइज, सेम साइज, सेम थिकनेस, विड्थ ऑफ द कलर एंड लाइक येलो पर्पल रेड ग्रीन, येलो पर्पल रेड ग्रीन, येलो पर्पल रेड ग्रीन, येलो पर्पल रेड ग्रीन पे आके ये खत्म हो गया। दैट मीन दिस इज रिपीटिंग, एंड इसका पैटर्न क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बट विद द सेम कलर सीक्वेंस। नाउ दीज आर द स्टार्स, दे आर डिक्रीजिंग इन ऑर्डर, राइट? सो इसमें भी सेम पैटर्न चल रहा है, रिड्यूसिंग पैटर्न, ग्रोइंग एंड रिड्यूसिंग पैटर्न्स। ओके, सो ये चलता जा रहा है। ऐसे ही साड़ी का बॉर्डर है, कर्टन है, फ्लोर टाइल्स होती हैं। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, इन दैट ऑल्सो यू कैन टेक अ सी अ पैटर्न। There are a lot of things around you where you get these shapes, patterns. You can move around you while watching my video. Just look around yourself and find how many patterns you will get. And you can note them as an example as well. Okay? And this chapter which we are doing right now, chapter 22, you can do it in book itself. No need to do it in a copy because it is already given. You can draw, I have given you that na, just to exercise 22.1 you have to do in book only, because just you have to write the things, and if you want to draw something, jise isme draw karna hai, you can draw it with the pencil obviously, and please keep it in your mind. Maine kal bhi bataya tha bete, jo symmetry line, line of symmetry hoti hai wo hamesha dotted hoti hai. Please 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 isko yahan rakhna hai ki line of symmetry jo hai wo dotted hoti hai, theek hai. Abhi hum patterns pe wapis aate hain, ठीक है। तो अभी हम पैटर्न्स पे देखिए, अब एक्सरसाइज 22.2, इसमें नंबर्स पैटर्न्स दिए हुए हैं, इसमें आपको ड्रॉ करने के लिए शेप्स का पैटर्न कोई भी नहीं दिया है। तो हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। वैसे पहले देखिए, ऑब्जर्व द नंबर पैटर्न गिवन बिलो एंड राइट नेक्स्ट थ्री टर्म्स। आपको देखना है कि क्या पैटर्न दिया हुआ है। देखिए पहले 1, 4, 7, 10, इसमें क्या है बेटे, प्लस थ्री कर रहा है। 1 + 3 + 3 = 4, प्लस 3 7 + 3 10, तो नेक्स्ट क्या होगा, 13, नेक्स्ट होगा 16, नेक्स्ट होगा 19। आपको तीन ही लिखना है। नाउ मैंने कहा था प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। अभी देखिए इसमें माइनस हो रहा है, 31 - 4 = 27 - 4 = 23 - 4। नाउ माइनस 4, 19 में से 4 माइनस करेंगे, 15 में से 4 माइनस किया, 11 में से 4 माइनस किया, 7। आपको नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हो, या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ हो। कई बार एक साथ दो थिंग्स भी पॉसिबल होती हैं। देखिए जैसे इसमें ये दिया हुआ है,
ओके ना. नाउ फाइंड द मिसिंग नंबर 2, 3, 6, 2, 3 जा 6, 4, 5, 24, 5 जा 20, 6, 7, 6, 7 जा 42, 9, 10, 9, 10 जा 90. सो वी कैन फिल इट विद द 90. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज. नाउ यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, टू ऑब्जर्व द पैटर्न एंड देन सॉल्व इट. आई विल मेक यू सिंपलर फॉर यू. इसमें प्लस का पैटर्न है, इसमें माइनस का पैटर्न है, प्लस का पैटर्न है. मैं कर देती हूँ प्लस माइनस. क्वेश्चन नंबर वन, सॉरी एक्सरसाइज 22.2 क्वेश्चन नंबर वन पार्ट ए में प्लस का पैटर्न जा रहा है. यू हैव टू फाइंड आउट कि ये क्या पैटर्न, कितना नंबर ऐड कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर वन पार्ट बी में नेगेटिव जा रहा है, माइनस किया हुआ इन्होंने, डिफरेंस का पैटर्न है इसमें. नाउ सी में जो है बेटा वो थोड़ा अलग पैटर्न है. आई विल टेल यू. 1, 2, 2 जा 4, 3, 3 जा 9, 4, 4 जा 16, तो 5, 5 जा 25, 6, 6 जा 36, 7, 7 जा 49. दैट मीन दे हैव गिवन यू द स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट 13, 18 प्लस 5 है, फिर आप देख सकते हैं. ठीक है, फिर 18 प्लस 6 किया हुआ है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ओके, 24 में अब इन्होंने 7 प्लस किया, मतलब एवरी प्रिसीडिंग नंबर ऐड प्लस वन नंबर, लाइक +5, +6, +7. ओके, 31 के बाद 7 प्लस करेंगे. ठीक है, इन्होंने 6 तक प्लस किया, यू हैव टू ऐड 7, 38. अब 38 में आप 8 प्लस करेंगे, 46. 46 में आप 9 प्लस करेंगे, 55. तो यू हैव टू टेक अ लुक ओवर दैट कि क्या पैटर्न दिया है. ई में आपके लिए छोड़ रही हूँ. कम टू द क्वेश्चन नंबर टू. ऑब्जर्व द नंबर गिवन इन द फिगर्स एंड फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स. 5, 3 जा 15, 7, 3 जा 21. तो क्या नंबर आएगा वो आपको चेक करना है. 39 को 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्या नंबर आ रहा है. और बी और सी में आप खुद से यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द नंबर एंड व्हाट इज द पैटर्न गोइंग ऑन प्रिसीडिंग एंड यू हैव टू फिल द मिसिंग नंबर्स. ओके, देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस इट विद यू, और इन द ऑनलाइन क्लास आई विल डिस्कस इट विद यू. ओके, टिल देन प्लीज डू कंप्लीट योर वर्क and do the revisions. If you have any problem, you can ask me in the online class. Okay? चलिए, exercise 21.22.1 and 22.2 book में ही complete करनी है. So, best of luck. Okay? Do your work. Okay, bye.